हेलो स्टूडेंट्स, नव भारती परिवार आप सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत करता है। अपना रनिंग चैप्टर एक नए साझेदार का प्रवेश, एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। आज का जो टॉपिक है, मेथड्स फॉर द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ख्याति का मूल्यांकन करने के लिए विधियां, मेथड्स। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियोस के अंदर बताया था, जब जब भी किसी साझेदारी फर्म का पुनर्गठन होता है, रिकंस्ट्रक्शन होता है, तो ख्याति का वैल्यूएशन किया जाता है, ख्याति का मूल्यांकन किया जाता है किसी नए साझेदार के प्रवेश पर, फॉर एग्जाम्पल किसी साझेदार के रिटायरमेंट पर, किसी साझेदार की डेथ होने पर भी फर्म दोबारा बनती है। यदि कोई साझेदार अपनी इच्छा से अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर लेते हैं तो भी गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ता है। और इसी तरह से जब दो फर्मों को मिलाकर एक कर दिया जाता है तो भी एक नई फर्म बन जाती है और उस समय भी ख्याति का मूल्यांकन किया जाता है। अपन बात कर रहे हैं एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, नए साझेदार के प्रवेश के ऊपर ख्याति का मूल्यांकन, या रिटायरमेंट के ऊपर ख्याति का मूल्यांकन। मूल्यांकन करने की जो विधियां है वो रिटायरमेंट में भी वैसी है, डेथ में भी वैसी है, और एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर के अंदर भी वैसी है, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन। एक एग्जाम्पल अपन लेते हैं, ए और बी पिछले 10-15 वर्षों से बिजनेस रन कर रहे हैं, बिजनेस चला रहे हैं, और उन्होंने सी को 1/4 हिस्से के लिए, 1/4 के लिए एडमिशन दिया। ए और बी ने बोला कि आप फर्म की एसेट्स को यूज करेंगे, इसलिए आपको फर्म की जो टोटल कैपिटल है उसका 1/4 कैपिटल आपको लानी पड़ेगी, क्योंकि आप 1/4 के लिए इस फर्म के अंदर साझेदार बनाए जा रहे हैं। दूसरी बात कि आप 1/4 प्रॉफिट फ्यूचर के अंदर लेंगे, जैसे ही आपका एडमिशन होगा, एडमिशन के बाद में इमीडिएट आप लाभ के अंदर से 1/4 प्रॉफिट लेंगे, और फर्म की जो गुडविल है, जो प्रतिष्ठा है, जो इमेज है, वो हमने बनाई है। तो आपको आज की डेट में, यानी कि एडमिशन की डेट के अंदर हमारी जो गुडविल है उसका 1/4 हिस्सा आपको लाना पड़ेगा। तो सी बोला कितनी गुडविल लानी पड़ेगी, ए और बी ने बोला 500,000 रुपए की गुडविल लानी पड़ेगी। तो बट नेचुरल, यदि सी की जगह यदि अपन भी होंगे तो अपन ये पूछेंगे कि आपने किस बेस के ऊपर मेरे को 500,000 रुपए गुडविल के 1/4 हिस्से के बताए, हाउ डिड यू कैलकुलेट दिस अमाउंट ऑफ रुपीज 5 लाख और 2 लाख और 3 लाख और दिस 1/4 शेयर। इसी समस्या का समाधान करने के लिए, ख्याति का मूल्यांकन करने के लिए बहुत सारी विधियां हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आज पहली विधि ले रहा हूं, और उस विधि का नाम है एवरेज प्रॉफिट मेथड, औसत लाभ विधि। औसत लाभ विधि से ख्याति का मूल्यांकन कैसे करेंगे, उसके लिए जो सूत्र दिया हुआ है वो है एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेजेज। हिंदी के अंदर ख्याति बराबर औसत लाभ इनटू दिए गए वर्षों के क्रय आधार की संख्या। अब अपन औसत लाभ के बारे में समझे। फॉर एग्जाम्पल किसी फर्म के अंदर 2017 के अंदर 12,000 रुपए का लाभ हुआ, 2018 में 3,000 रुपए का लॉस हो गया, ब्रैकेट यानी माइनस फिगर। 2019 के अंदर फिर 4,000 रुपए का लाभ हुआ, और 2020 के अंदर 7,000 रुपए का लाभ हुआ। तो एवरेज के अंदर कभी प्रॉफिट कम होता है, कभी ज्यादा होता है, कभी लॉस होता है। तो यदि अपन एवरेज निकाले इन 4 वर्षों के अंदर कि एवरेज प्रॉफिट औसत लाभ 1 साल का कितना बैठता है, तो इसके लिए क्या करेंगे, जो पिछले 4 साल के जो प्रॉफिट लॉस है उसके अंदर
अपन लॉस को लेस करते हुए कुल लाभ टोटल प्रॉफिट कितना कमाया, तो औसत लाभ को कैसे कैलकुलेट करेंगे, दिए गए वर्षों का लाभ कैलकुलेट करेंगे। जैसे यहां 12,000 रुपए का लाभ है, 12 में से 3 का लॉस हो गया नेक्स्ट ईयर, तो 12 में से 3 गए तो 9 के अंदर फिर 4,000, 13,000 और फिर 7,000 रुपए अपन ने ऐड कर दिए, तो टोटल प्रॉफिट कितना हुआ 20,000। पिछले 4 वर्षों के अंदर 20,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ। अब ये कुल प्रॉफिट आ गया कितने साल का, 4 वर्षों का अपने पास में कुल प्रॉफिट आ गया। अब अपन औसत लाभ कैलकुलेट करने के लिए ये जो टोटल प्रॉफिट आया है इसके अंदर नंबर ऑफ इयर्स से अपन डिवाइड कर देंगे, डिवाइडेड बाय 4 इयर्स। ये जो लाभ और हानि है ये पिछले 4 सालों के है, 2017, 18, 19 और 20, तो 20,000 डिवाइडेड बाय 4, तो औसत लाभ कितना आ गया 5,000 रुपए का औसत लाभ होता है। यानी कि कभी 12,000 रुपए का प्रॉफिट होता है तो कभी 3,000 रुपए का लॉस हो जाता है, तो कभी 4,000 रुपए का प्रॉफिट होता है तो कभी 7,000 रुपए का प्रॉफिट होता है। टोटल प्रॉफिट कितना होता है 20,000 रुपए का प्रॉफिट होता है। औसत लाभ कितना आया 5,000। यानी कि एवरेज के अंदर हर साल यदि अपन एवरेज के रूप में देखें तो 70 रुपए का प्रॉफिट हुआ 5,000 रुपए का। क्रॉस टैली करने के लिए 5,000 रुपए का प्रॉफिट हर साल होता है तो 4 साल के अंदर बट नेचुरल टोटल प्रॉफिट कितना होगा 20,000 रुपए होगा। स्टूडेंट्स, आशा करता हूं कि औसत लाभ कैसे निकालते हैं ये आप लोगों के समझ में आ जाओगा। अब फॉर्मूले के अंदर नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेजेस दिया गया, दिए गए वर्षों का क्रय आधार, ए और बी पिछले 10-15 वर्षों से बिजनेस को रन कर रहे हैं, पिछले 10-15 वर्षों के अंदर इन्होंने माल बेचने के लिए माल खरीदा, गुड्स इन्होंने खरीदा और फिर उसके अंदर अपना प्रॉफिट ऐड करके मार्केट के अंदर कस्टमर्स को नगद भी बेचा और उधार भी बेचा, यानी खरीदे गए माल को बेचने से उनको लाभ हुआ। नए पार्टनर के, चाहे वो एक्स वाई जेड कोई भी हो, नए पार्टनर के एडमिशन के बाद के अंदर भी जो प्रॉफिट होगा उसके अंदर यह मान के चला जाता है कि एडमिशन के बाद के अंदर भी जो हम माल खरीदेंगे और जो बेचेंगे उसके ऊपर प्रॉफिट होगा, यानी कि क्रय आधार परचेजेस को बेस माना जाता है। दिए गए वर्षों का क्रय आधार आपको क्वेश्चन के अंदर अवेलेबल होगा, या तो ये बोला जाएगा कि औसत लाभों के 3 वर्षीय क्रय आधार के ऊपर ख्याति का मूल्य बताइए, या बोला जाएगा कि ख्याति का मूल्य औसत लाभों के 3 गुने के आधार पर या 4 गुने के आधार के ऊपर या 5 गुने के आधार के ऊपर कैलकुलेट कीजिए। अब जैसे इस क्वेश्चन के अंदर अपन ने एवरेज प्रॉफिट ले लिया, क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है कि औसत लाभों के 3 वर्षीय क्रय आधार पर या 3 गुने के आधार पर ख्याति का मूल्य कैलकुलेट कीजिए। तो फॉर्मूले के अंदर मैं रखूंगा, फॉर्मूले के अंदर जब मैं इसको रखूंगा तो एवरेज प्रॉफिट कितना आया 5,000, 5,000 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा, दिए गए वर्षों का क्रय आधार कितना है औसत लाभों के 3 वर्षीय क्रय आधार के ऊपर ख्याति का मूल्य ज्ञात कीजिए, तो औसत लाभ को 5,000 रुपए को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इक्वल टू 15,000। जो फर्म की ख्याति का जो मूल्यांकन है, जो वैल्यूएशन है, वो कितना आया कि भाई ए और बी कह रहे हैं हमारी जो शॉप है या जो हमारी जो फर्म है उसकी आज की डेट के अंदर गुडविल कितनी है 15,000 रुपए की है। अब यदि मान लो सी को 1/4 हिस्से के लिए एडमिशन दिया जाता है, 1/4 प्रॉफिट लेगा तो उसको कैपिटल के अलावा अपने 1/4 हिस्से की गुडविल भी लानी पड़ेगी। कितनी लानी पड़ेगी 15,000 मल्टीप्लाइड बाय 1/4। 1/4 क्या है सी का शेयर है। अब 4 से इसको काटूंगा तो 4 किया 12, 3 बचे 4, 7 28, 2 बचे 4, 5 20, ये 3,750 रुपए सी को अपनी गुडविल के लाने पड़ेंगे। इस तरह से औसत लाभ विधि से ख्याति का मूल्यांकन कर लिया जाता है और नए साझेदार का
हिस्सा इसके अंदर से कैलकुलेट कर लिया जाता है। कभी कभी ये जो प्रॉफिट दिए हुए हैं इसके अंदर कुछ एडजस्टमेंट्स होते हैं, तो उन एडजस्टमेंट को ध्यान में रखते हुए हम लोगों को सबसे पहले एडजस्टेड प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ता है और फिर एडजस्टेड प्रॉफिट कैलकुलेट करने के बाद में एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाता है और गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है। कैसे किया जाता है, कौन कौन से एडजस्टमेंट होते हैं, ये अभी अपन देखें। ठीक है स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स कभी कभी जब पिछले वर्षों का प्रॉफिट या लॉस दिया जाता है तो डायरेक्ट नहीं दिया जाता है, उसके अंदर कुछ एडजस्टमेंट्स हो सकते हैं। तो यदि एडजस्टमेंट दिए हुए हैं तो उनका एडजस्टमेंट कैसे किया जाएगा, कौन कौन से एडजस्टमेंट होते हैं, बोर्ड के ऊपर ध्यान से देखें। एडजस्टमेंट नंबर वन, एबनॉर्मल प्रॉफिट्स या इनकम, इसको क्या किया जाएगा, माइनस किया जाएगा, दिए गए प्रॉफिट में से लेस कर दिया जाएगा। जैसे किसी क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है कि 2012 के अंदर 25,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ, 2012 में 25,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ और ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ है कि 5,000 रुपए सट्टे से लाभ शामिल है। ये जो 25,000 रुपए का जो प्रॉफिट है इसके अंदर एक 5,000 रुपए का प्रॉफिट जो है वो बिजनेस को ऑपरेट करने से नहीं हुआ, व्यापार के मालिक ने कोई सट्टा खेला, कोई गैम्बलिंग, कोई जुआ खेला और जुए खेलने से या सट्टा खेलने से उसको 5,000 रुपए का प्रॉफिट आया। तो इस कंडीशन के अंदर अपन को गुडविल के वैल्यूएशन के लिए इस ईयर का, इस वर्ष का एक्चुअल प्रॉफिट लेना पड़ेगा। एक्चुअल प्रॉफिट को लेने के लिए जो एबनॉर्मल प्रॉफिट है, जो नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, जो बिजनेस को ऑपरेट करने से नहीं हुआ, उसको लेस कर देंगे। जैसे 25,000 रुपए का प्रॉफिट था, 25,000 रुपए का प्रॉफिट कब हुआ, जब इसके अंदर 5,000 रुपए का सट्टे से लाभ भी शामिल है। यदि ये सट्टे से लाभ नहीं होता, इसको ही ढंग से सोच के देखें कि यदि ये एबनॉर्मल प्रॉफिट नहीं होता तो इस ईयर के अंदर एक्चुअल प्रॉफिट कितना होता, 25,000 माइनस 5,000 इज इक्वल टू, यानी कि ये 2012 के अंदर जो एक्चुअल प्रॉफिट आएगा 25 में से 5,000 रुपए का सट्टे का प्रॉफिट लेस कर देंगे तो एक्चुअल प्रॉफिट कितना आएगा, 20,000 रुपए। कहने का मतलब है कि एबनॉर्मल प्रॉफिट्स और इनकम्स आर सब्सट्रैक्टेड। नंबर सेकेंड, एबनॉर्मल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, असामान्य हानि। एक तो बिजनेस को ऑपरेट करने से या किसी वस्तु के क्रय विक्रय से हमको जो लॉस होता है या प्रोडक्शन करने से जो लॉस होता है वो तो एक नॉर्मल लॉस है। एबनॉर्मल लॉस हो गया, जैसे 2013 के अंदर 5,000 रुपए का लॉस हुआ और ब्रैकेट में दिया हुआ है कि 40,000 रुपए स्टॉक हानि चार्ज की गई, यानी कि 2013 के अंदर 40,000 रुपए का जो स्टॉक है, 40,000 रुपए का जो माल है वो उसका लॉस हो गया। हो सकता है कि वो माल आग से जल गया हो सकता है कि वो चोरी हो गई हो। आग का लग जाना किसी बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए जरूरी नहीं है। ये जो लॉस हुआ ये किस वजह से हुआ, आग लगने के कारण हुआ या चोरी हो जाने से हुआ या बाढ़ की वजह से हुआ, तो वी विल ट्रीट दिस लॉस एज एबनॉर्मल लॉस। अब एबनॉर्मल लॉस के लिए क्या रूल है कि एबनॉर्मल लॉस को प्लस किया जाता है, ऐड किया जाता है। अब इसको क्यों ऐड किया जाता है देखें, इस ईयर के अंदर लॉस कितने रुपए का था, 5,000 रुपए का लॉस था। अब 40,000 रुपए का लॉस किस वजह से हो गया, माल के जलने से हो गया। यदि ये माल नहीं जलता तो ये 40,000 रुपए का लॉस नहीं होता। तो एक्चुअल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे,
पहले से जो लॉस है माइनस के 5000, माइनस के 5000 लॉस ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन एंड अकॉर्डिंग टू द रूल फॉर द कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट्स एबनॉर्मल लॉसेज आर एडेड। तो ये जो 40,000 रुपए का जो लॉस है इसको क्या करेंगे, एड करेंगे, एड करेंगे तो ये साइन का एक आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा, प्लस के 40,000 रुपए हो गए और माइनस के 5,000 रुपए हो गए। तो प्लस के 40,000 में से माइनस के 5,000 रुपए यदि मैं लेस करूंगा तो यहां पर जो एक्चुअल पोजीशन आएगी वो 35,000 रुपए प्लस के आएंगे, 35,000 रुपए प्लस के आएंगे। यानी कि यदि फर्म के अंदर ये 40,000 रुपए का माल नहीं जलता तो एक्चुअल ये लॉस 5,000 रुपए का नहीं होके फर्म के अंदर 35,000 रुपए का प्रॉफिट होता। तो इस फिगर को मैं यहां रख लेता हूं, 2013 के अंदर एक्चुअल प्रॉफिट कितना आया एडजस्टमेंट करने के बाद में 35,000 रुपए है। एबनॉर्मल प्रॉफिट्स और एबनॉर्मल इनकम को लेस किया जाता है, एबनॉर्मल लॉस और एक्सपेंसेस को ऐड किया जाता है। तीसरा एडजस्टमेंट है इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। कभी कभी कुछ इन्वेस्टमेंट्स बिजनेस पर्पज से नहीं किए जाते हैं, ट्रेडिंग पर्पज से नहीं किए जाते। जैसे मान लो ओनर ने कोई अपने पर्सनल यूज के लिए बिल्डिंग खरीदी और उस बिल्डिंग को उसने दोबारा बेचा और बेचने से इसको क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो ये प्रॉफिट बिजनेस को ऑपरेट करने से नहीं हुआ। अपन मान के चलें कि ये जो ओनर है ये कोई प्रोविजन स्टोर चला रहा था, नमक है, चीनी है और किराने का सामान बेचता, तो ये जो इसको प्रॉफिट हुआ 2000 रुपए संपत्ति के विक्रय से लाभ हुआ, संपत्ति को बेचने से प्रॉफिट हुआ, इसको बिजनेस ऑपरेट करने से नहीं हुआ है। पहले क्या दिया हुआ क्वेश्चन के अंदर, 2014 के अंदर 22,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ और इसके अंदर ये 2000 रुपए का जो प्रॉफिट है वो संपत्ति को बेचने से हुआ है। तो उसी तरह से सोच के देखेंगे कि यदि संपत्ति को बेचने से ये 2000 रुपए का प्रॉफिट नहीं होता तो एक्चुअल में प्रॉफिट कितना होता, कम होता, कम होता। यानी कि 22,000 में से ये भी एक तरह से एबनॉर्मल प्रॉफिट ही है। तो 22,000 में से 2,000 रुपए अपन लेस कर देंगे तो अब 2014 का एक्चुअल प्रॉफिट हमारे पास में कितना आ रहा है, 22,000 में से 2,000 रुपए हम लेस करेंगे तो एक्चुअल प्रॉफिट कितना आ गया, 20,000 रुपए का आ गया। यानी कि इन तीन वर्षों के अंदर 2012, 2013 और 2014 के अंदर टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, 5 का 5, 2, 3, 5 और 2, 7, 75,000 रुपए का प्रॉफिट ये आया। और ये जो प्रॉफिट है इसको कौन सा प्रॉफिट बोलेंगे, एडजस्टेड प्रॉफिट बोलेंगे। यदि क्वेश्चन के अंदर एडजस्टमेंट दिए हुए हैं तो एडजस्टमेंट यानी कि एडजस्टमेंट को अकॉर्डिंग टू रूल एड या लेस करके एक्चुअल प्रॉफिट लेंगे और जो फिर जो टोटल आएगा वो क्या कहलाएगा, एडजस्टेड प्रॉफिट कहलाएगा। स्टूडेंट्स, अपन ने अभी समायोजित लाभ 2012 में 20,000 रुपए, 2013 में 35 और 2014 के अंदर 20,000, 20,000 रुपए का प्रॉफिट आया। इन तीनों को, तीन वर्षों के लाभ को जोड़ा तो टोटल प्रॉफिट कितना आया, 75,000। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि औसत लाभों के तीन वर्षों के क्रय के आधार पर ख्याति का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले अपन फॉर्मूला रखेंगे। सबसे पहले फॉर्मूला जो औसत लाभ विधि के अंदर है, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट, यानी कि औसत लाभ को किससे गुणा करेंगे, दिए गए वर्षों के क्रय आधार से। तो औसत लाभों के तीन वर्षों के क्रय के आधार पर अपन को गुडविल कैलकुलेट करनी है तो मल्टीप्लाइड बाय 3। अब अपने पास में एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, अपन को क्या चाहिए, एवरेज प्रॉफिट अपन को चाहिए। अपने पास में टोटल प्रॉफिट कितना है, 75,000।
75,000 पिछले 3 वर्षों के अंदर टोटल प्रॉफिट है। इस टोटल प्रॉफिट के अंदर 2012-13-14 यानी कि 3 साल का इसके अंदर अपन भाग देंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो एवरेज के अंदर 3 × 6 = 3×5=15 ये 25,000 रुपए का हमारे पास में क्या आएगा, एवरेज प्रॉफिट आएगा। इसके बाद में एकदम सिंपल है फॉर्मूले के अंदर, एवरेज प्रॉफिट के नीचे मैं कितना रख दूंगा 25,000 रुपए और इसके 3 गुने के आधार पर या 3 वर्षीय क्रय आधार के ऊपर जो गुडविल की वैल्यू होगी 75,000 रुपए इस फर्म की गुडविल है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स औसत लाभ विधि से ख्याति का मूल्यांकन कैसे करेंगे इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया। एक बात मैं कहना चाहता हूं कि ये जितने भी विधियां हैं, जितने भी मेथड्स हैं और जो इनके फॉर्मूले हैं, ये आप मेमोराइज कर लें और अपनी नोटबुक के अंदर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक चार्ट बना लें ताकि अपन एग्जाम टाइम के अंदर देख सकें। तो औसत लाभ विधि से ख्याति का जो सूत्र है, औसत लाभ इनटू दिए गए वर्षों का क्रय आधार, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेजेज विच इज गिवन इन द क्वेश्चन। यदि अभी भी आपकी इसमें कोई चीज समझ में नहीं आई है और कोई डाउट है तो आप उससे डिस्कस कर सकते हैं। आपने इस वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखा, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। दैट्स ऑल, इट्स ओवर।